औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की वीडियो में हम एनएमडी कैट 2022 प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे, ठीक है। उसमें जो मेन टॉपिक डेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ 1 TB एनएमडी कैट लेटेस्ट डाटा, ठीक है। वो आपको लिंक्स की फॉर्म में PDF में मिल जाएगा। सेकेंडली, एनएमडी कैट प्रिपरेशन टिप्स, उसके हवाले से यानी डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट प्रोफेसर्स, एमडी कैट स्पेशलिस्ट से इन्फॉर्मेशन ली गई है, वो आपसे शेयर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कि बेस्ट ऑनलाइन अकेडमीज़ कौन सी हैं, फिजिकल अकेडमीज़ कौन सी हैं और आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, और स्पेशली जो 1 TB एनएमडी कैट डाटा है वो भी आपको पीडीएफ के लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। वो लिंक की फॉर्मेट में होगा, आप उससे जो लिंक ओपन करके वहाँ पे जितना भी आपको डाटा चाहिए वो आप सारा वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि जितनी आगे अनाउंसमेंट्स होनी है एनएमडी कैट के हवाले से या उसके सिलेबस या जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा के हवाले से, वो यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलें चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैंने जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मतलब PDF फॉर्मेट में, क्वेश्चन की फॉर्म में कंपाइल करके रखें, तो हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, अगर हम उसकी तरफ चलें, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएमडी कैट। सो दैट इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ एवरी स्टूडेंट, स्पेशली 90% स्टूडेंट यही क्वेश्चन करते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर एनएमडी कैट 2022, ठीक है। देखें, उसके लिए सबसे पहले कि जैसे ही सिलेबस अनाउंस होना, उसके बाद एक प्रॉपर जो है आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। पहले भी आप कर सकते हैं, आप जस्ट जो 2021 के सिलेबस को फॉलो करें, ठीक है। तकरीबन सेम होगा, जस्ट 1 या 2 टॉपिक्स या 2 चैप्टर्स तक जो है वो हो सकता है कि कमी हो जाए, रिड्यूस हो जाए उसमें से, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादा तो नहीं होगा, रिड्यूस हो सकता है। तो यानी ये है कि अगर आप ज़्यादा भी कर लेते हैं तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो यानी एक तो ये चीज़ करनी है। दूसरा आपने करना है, देखें बाकी नीचे आगे मैं फर्दर गाइड करता रहूँगा, लेकिन मेनली ये है कि आपको एमडी कैट के हवाले से अकेडमीज कोई जो है ना, कोई ना कोई ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी अकेडमीज़ आपके लिए बेस्ट रहेंगी। नेक्स्ट अगर मूव करें तो इसमें यह है कि देखें, अगर आप सेल्फ़ स्टडी करते हैं तो आई थिंक सेल्फ स्टडी से बेटर कोई भी एकेडमी आपको तैयारी नहीं करवा सकती। देखिए, अकेडमीज हम ज्वाइन करते हैं जस्ट फॉर क्लियरिंग आवर कॉन्सेप्ट, नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमडी कैट, ठीक है। आप कोई भी अकेडमी कभी भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं करवा सकते जब तक आप खुद अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं करते, ठीक है। यानी अकेडमीज जस्ट आपको करवा देते हैं। अब देखें, उनसे फॉर एग्जांपल अगर वो SN1 रिएक्शन करवा देते हैं, SN2 रिएक्शन करवा देते हैं, अब जब तक आप उसे याद नहीं करेंगे, उसे प्रिपेयर नहीं करेंगे, वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो यानी वो तो अकेडमी करवा देंगे, लेकिन वो आपको तभी समझ आएगा या आपको तभी हेल्पफुल होगा जब आप उसको मेमोराइज करेंगे। तो यानी मेन थिंग क्या है कि आपको मेमोराइजेशन आप पे डिपेंड करता है, आपकी तैयारी आप पे ही डिपेंड करती है, कोई भी एकेडमी आपको तैयारी नहीं करवा सकती। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि ये कंसेप्ट गलत है कि लोग सोचते हैं कि एकेडमी रख लेंगे तैयारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, एकेडमी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है। तो यानी मेन चीज़ मैं अगर आपको कहूँ तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वन, और अकेडमी भी सही है। अकेडमी इसलिए रखें ताकि अगर आप कोई आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो आप क्लियर करें, डिफरेंट अगर कोई MCQs शॉर्ट ट्रिक्स हैं, यानी जिस तरह फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का MCQs आ जाता है न्यूमेरिकल टाइप, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कि टीचर शेयर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आप वहाँ से करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखें तो हमारे पास एनएमडी का सिलेबस अनाउंसमेंट डिटेल, यानी सिलेबस कब अनाउंस होगा, तो एज अकॉर्डिंग टू चेयरमैन ऑफ PMC, ठीक है, जो है उनके मुताबिक एनएमडी कैट का सिलेबस जो है वो अबाउट जनवरी के एंड में अनाउंस होगा, ठीक है। तो यानी अभी तो जनवरी के एंड ही चल रहा है, तो तकरीबन हो सकता है मंडे ट्यूसडे या नेक्स्ट वीक तक अपलोड हो जाए, तो वो सिलेबस अपलोड हो जाएगा। अब सिलेबस बन गया, लेकिन डिफरेंट जो एकेडमिक अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे अप्रूवल चाहिए होता है, जिस तरह डिफरेंट बोर्ड्स का होता है, पंजाब, फेडरल, सिंध, KPK, इन सब बोर्ड्स से के मतलब उस कन्फर्मेशन के बाद जो है उस सिलेबस को अनाउंस किया जाता है। उसके बाद मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिटेल ऑफ 1 TB एनएमडी कैट डाटा। अब देखिए, 1 TB तकरीबन डाटा है, और ये मैंने क्योंकि अगर मैं इकट्ठा आपको देता इस तरह 1 TB की फॉर्म में देता तो ये बिल्कुल भी शेयर नहीं हो सकता, यू कैन अंडरस्टैंड एज वेल। और जिसको भेजूंगा फिर उसके मोबाइल की भी तबाही या जो भी डिवाइस होगा उसकी तबाही हो जाएगी। तो जस्ट ये था कि मैंने इसको पहले लिंक की फॉर्म में कंपाइल किया। अब जस्ट कुछ ही मेरी इसमें कन्फर्मेशन रहती हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तकरीबन उम्मीद है कि आज या तो कल तक इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगी। आज कुछ चेंजिंग्स वगैरह करनी है, वो करके मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके कमेंट सेक्शन में जो है उसका लिंक लगा दूंगा, तो वो आप जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड उससे आपको जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
यानी मतलब उसमें जितना भी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल उसमें आपको देखने को मिल सकता है, हर एकेडमी का, टॉप एकेडमी का, और बहुत सारा मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि 12,000 MCQs बाय ग्रिप इंस्टीट्यूट। तो ग्रिप इंस्टीट्यूट जो है, इसके 12,000 MCQs हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो मैं इसी वीडियो के लिंक में लगा दूंगा, ठीक है। मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, एक मिनट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये 12,000 ग्रिप MCQs है, ठीक हो गया। और इसमें अगर हम देखें यहाँ पे बायोलॉजी की देखें, तो इसमें ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई चार्जेस हमारे उसके नहीं है, ये सब कुछ मटेरियल आपको जो है फ्री मिल जाएगा। ये देखें, अगर आप देखें तो इसमें ये लेटेस्ट है, इसमें 12,000 MCQs है इसकी, ठीक है। तो ये नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें, अगर आप देखें तो आपको ये MCQs देखने को मिल सकते हैं, और विद सोल्यूशन ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ये बुक आपके लिए। इसकी जो है पिक भी मेरे पास पड़ी थी, बट मैं अगर आपको यहाँ पे फिर फिजिक्स में दिखा दूँ, इसको आपको पिक भी मिल जाएगी इस बुक की। मे बी आपने, आपके पास ये बुक हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ से आपको ये मटेरियल मिल जाएगा और आपको किसी बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अल्ट्रा के ऊपर हो जाए, ये बुक है आपके पास, ठीक है। तो ये मे बी हो सकता है आपके पास पहले पड़ी हो ये वाली, अगर आप देखना चाहें तो ये, ठीक है। ये जो है आपके पास, ये मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। 12,000+ MCQs हैं, यानी 12,000+ MCQs होना कोई इतना आम सिंपल सी बात नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखें, अगर 2021 लिखा हुआ है तो इससे कुछ ना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो न्यू सिलेबस आएगा वो अकॉर्डिंग टू मी और जो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज, उसमें कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। अभी लास्ट टाइम ही चेंज हुआ था, तो आपको पता है 4-5 साल तक सिलेबस सेम रहता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। एक ही हो गया। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12,000 ग्रिप MCQs, ये भी हो गया। ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लगा दूंगा, तो वो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेस्ट ऑनलाइन अकेडमी। सो ये आपके पास एक, यानी आप ये कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत यानी अहमियत का हामिल है, इस वजह से है कि यहाँ पे जो है चॉइस करना, वो जो है बच्चे अगर इसमें गलत चॉइस कर देते हैं, गलत जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, देन उनके लिए बड़ा मसला बनता है। अब है क्या, देखिए ऑनलाइन और फिजिकल अकेडमीज का कंपैरिजन अगर हम करें तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ऑनलाइन अकेडमी का ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो वीडियोस होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, और उसमें अगर आप जब जितना भी चाहें आप वीडियो रिकॉर्डेड दोबारा देख सकते हैं। लेकिन फिजिकल में क्या होता है, अब जहाँ पे हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड जो है ऑनलाइन अकेडमीज, ठीक है। तो वहाँ पे एक हम कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ पे इसमें पेज बना लेते हैं लास्ट में, और ठीक है, देन हम इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन और फिजिकल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और देन हम इसको चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, मैंने थोड़ा सा इसका कंपैरिजन किया हुआ है जो कि मुझे सही लगा, एंड इसमें और कुछ चीज़ें बेस्ट भी होंगी, बट जो एक फॉल्ट है या डेफिशिएंसी है वो अगर हम देखें, नंबर 1, दैट इज़ टाइम लिमिटेड। अब इसमें बात ये है, देखिए ऑनलाइन अकेडमी का ये होता है कि आपको जब भी चाहें आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, ताकि मतलब उससे आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप जब भी चाहें आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपको कोई काम पड़ गया, आप रात को कवर करना चाहते हैं रात को कर लेंगे, ठीक है। अब लेकिन फिजिकल अकेडमी में ऐसा नहीं होता, उसकी वजह ये होती है कि आपको जो भी अकेडमी का टाइम होता है 3 से 5, 5 से 8, जो भी टाइमिंग है आपको उस प्रॉपर टाइमिंग पर जाना होता है। उसके बाद ऑनलाइन अकेडमी टीचर काउंसलिंग और फिजिकल में नहीं होती, उसकी वजह ये होती है, देखें जो है जो काउंसलिंग ये एक बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। ऑनलाइन में ये होता है कि अगर आपको एकेडमी से कंपलसरी ना, मतलब ऑनलाइन एकेडमी से भी आपको काउंसलिंग ना भी मिले, तो आप यूट्यूब वगैरह इधर उधर से चीज़ें वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकल ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर अगर वहाँ पे आपको ना मिले, देन आपको डेफिशिएंसी हो, क्योंकि वहाँ टाइम भी वेस्ट हो रहा है और काउंसलिंग वगैरह भी ये चीज़ें नहीं मिल रही। देन नेक्स्ट है ऑनलाइन अकेडमी का, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मुझे बेटर लगता है, दैट इज़ यू कैन डू सेल्फ स्टडी, ठीक है। मेन चीज़ ये मैंने आपको यही बताया कि सेल्फ स्टडी इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन, ठीक है। तो यानी जितना आप सेल्फ स्टडी करेंगे आप उतना ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ये अकेडमीज वगैरह आपकी कोई भी तैयारी नहीं करवा सकते। हाँ, जस्ट ये है कि आपके कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का वे बता सकते हैं, बट दे नेवर लेट लेट यू इन इन मेडिकल कॉलेजेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो मतलब वो आपको यानी ये होता है कि जस्ट वो एक अपनी कोशिश करते हैं, बट मेन रोल आपका ही होता है। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, खुद ही प्रिपेयर करके घर पे बैठ के तैयारी करके सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो अच्छी अकेडमीज रख के रह जाते हैं। तो यानी ये क्या वो हुआ, इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि मेन चीज़ क्या है, सेल्फ स्टडी है, तो उससे जो है आप जब वो बचा देता है। नेक्स्ट है नो टाइम वेस्ट। अब देखिए टाइम वेस्ट से क्या मतलब है और यहाँ पर टाइम वेस्ट से क्या मतलब है, देखिए अकेडमीज में अगर जाते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर वर्क
वर्क एनर्जी वाला चैप्टर अच्छे से आता है, और अकेडमी में वो चैप्टर उस पर तकरीबन कोई 4 से 5 दिन लगा देते हैं, ठीक है। तो यानी अब वो तो आपके लिए टाइम वेस्ट ही हो रहा है। लेकिन अगर आपने अकेडमी ऑनलाइन ज्वाइन की हुई है तो इसमें आपको ये बेस्ट बेनिफिट होगा कि आप जब चाहें आपको जो टॉपिक इशू करता है जस्ट उसी को कवर करें, सारा का सारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन अकेडमी का बेनिफिट क्या होता है। ऑनलाइन अकेडमी का बेनिफिट ये होता है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं तो आपको अगर टॉपिक फॉर एग्जाम्पल कोई इशू भी करता है, आप उसका रिकॉर्डेड लेक्चर बैक जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल में ऐसा नहीं होता, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। जस्ट वन टाइम लेक्चर होता है और वो आपको दोबारा नहीं मिलता। उसके बाद है ऑनलाइन अकेडमी। ऑनलाइन अकेडमी का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए, और रिपीटर के लिए भी, अगर वो रिपीटिंग का एग्जाम दे रहे हैं कोई उसके लिए भी, और सेकंडली जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए। उनके लिए ये है कि देखें अभी टाइम बहुत बाद में कम रह जाएगा तो अभी से उनको तैयारी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो है ऑनलाइन अकेडमी में उनको बेनिफिट होता है कि वो डेली के 2 से 3 घंटे दे रहे हैं और बाकी टाइम जो है अपने सेकंड ईयर को दे। लेकिन फिजिकल का ये होता है आपको एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ जाना पड़ता है, फिर आपकी सेकंड ईयर भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है लो कॉस्ट। अब जो फिजिकल ऑनलाइन अकेडमीज होती हैं उनकी कॉस्ट भी लो होती है। देखिए कोशिश करें कि जितना आप लो कॉस्ट में पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि पेरेंट्स को उससे डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, और आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो जस्ट मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू फिजिकल अकेडमीज। नेक्स्ट है कि कवर लेक्चर यू वांट ओनली। अब देखिए लेक्चर, अब मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखिए आपको जो भी लेक्चर डिजायर्ड होगा आप उसी को कवर करेंगे, बट इन केस ऑफ फिजिकल अकेडमीज वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो यानी आपको अच्छी तरह आते भी हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ फिजिकल अकेडमीज एज वेल। तो यानी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऑनलाइन बेस्ट है, और ज़्यादा अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, दैट इज़ द मेन थिंग एंड यू कैन डू इट, ठीक है। कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, बाहर से कुछ भी नहीं होता, ये एक हमारा गलत कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कि अकेडमी हमारी तैयारी करवा देगी। सो ये मत कभी सोचा करें, कोई भी अकेडमी हो आपकी कभी भी तैयारी नहीं करवा, चाहे वो किप्स हो, कोई भी अकेडमी हो, ठीक है, वो कभी भी आपकी तैयारी नहीं करवा सकती। हाँ वो इस तरह है कि आपको प्रिपेयर कर सकती है कि हाउ टू डील दिस क्वेश्चन। अब आप क्या समझते हैं कि आप इतने जो 10,000, 20,000, 1 लाख MCQs प्रैक्टिस करके जाते हैं उन्हीं में से आता है? ऐसा कभी नहीं होता। आपने रेयर चांसेस होते हैं 2-3 MCQs आ जाए आपने जो प्रैक्टिस किए होते हैं, बट बहुत कम आते हैं। होता क्या है कि आपको एक कंसेप्ट आपके अंदर एक जो है वो क्रिएट किया जाता है कि भाई बच्चा ये अगर क्वेश्चन इस तरह से आए तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये कभी मत सोच के जाया करें कि भाई मैंने जो प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ इन्हीं में से आएगा, इनमें से कभी नहीं आता। हाँ रेयर चांसेस में 1 या 2 MCQs आ जाए वो एक अलग बात है, एक्सेप्शन में आ जाता है, बट इन केस ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता। तो यानी इसमें ये है कि आपको एक सेंस डेवलप करनी चाहिए। आप ये MCQs प्रैक्टिस करें, कम करें, लेकिन समझ के करें। ऐसा ना हो कि आप MCQs टिक 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 करके करके 1 लाख आप ले गए, आप कहते हैं 1 लाख हो गए मेरे MCQs, अब जाकर मैं टेस्ट देता हूँ और अब मेरा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। बिकॉज मेन चीज़ ये है कि आपको उस चीज़ MCQs को समझ के करना है। सो दैट इज़ द मेन कंपलसरी पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसकी तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। हाउ कैन वी करो MAT कैट विद FSC, यानी अगर फ्रेश स्टूडेंट होंगे तो उनका ये बिल्कुल ये क्वेश्चन होगा कि हम इसको कैसे कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉपर टाइम टेबल, कोई स्केड्यूल वगैरह, हम उसको किस चीज़ को कैसे कवर आउट कर सकते हैं। सो यू वॉन्ट टू क्लियर दैट कि MD कैट की तैयारी अभी से कम करना, दैट इज़ कंपलसरी टू। सेकेंडली FSC कैसे कवर करें, तो मैं आपको इसलिए ऑनलाइन अकेडमी का मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन का ये होगा कि आप एक प्रॉपर टाइम अपने FSC को भी दे सकते हैं और प्रॉपर टाइम अपनी MD कैट को भी दे सकते हैं। बिकॉज अगर अभी से आप MD कैट की तरफ फोकस नहीं करेंगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर गुड इन MD कैट, ठीक है। तो यानी अभी से आपको करना पड़ेगा। हाँ ये नहीं कि ज़्यादा नहीं ना करें, आप डेली के थोड़ा थोड़ा कर लें, 1 घंटा ही दे दें, 1 घंटा दे दें काफ़ी है, ठीक है, लेकिन करें ज़रूर। उसके बाद है इज इट कंपलसरी टू ज्वाइन अकेडमी नाउ। तो आई क्लियर यू कि अकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं, ये क्वेश्चन है और दैट इज इम्पॉर्टेंट टू एज वेल क्वेश्चन। सो इसकी ये है कि मैं आपको ये बात बताऊँ, देखिए मेनली होता क्या है कि अकेडमीज ज्वाइन हम क्यों करते हैं, अकेडमीज इसलिए ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज मैं आपको कहूँगा कि आपने अकेडमी रखनी नहीं है, जस्ट आप घर पे तैयारी करें। लेकिन मेन चीज़ ये है, अगर आपने मतलब बचपन से अकेडमीज के सारे पढ़ते आए हैं दैट आपके लिए फिर तो अकेडमी कंपलसरी है, बिकॉज यू कॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स विदाउट एनी काइंड ऑफ अकेडमी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन पे जाएं, ठीक है, ऑनलाइन ज्वाइन करें एंड देन खुद से सेल्फ स्टडी करें। ऑनलाइन से जस्ट ये करें कि वहाँ पे आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, बाकी प्रैक्टिस वगैरह करें एंड खुद बाकी अपना एक स्केड्यूल बनाएं कि मैंने डेली के इतने आज ये टॉपिक किया है तो मैंने इस टॉपिक के जो है फॉर एग्जांपल आज मैंने वर्क एनर्जी किया है तो मैं वर्क एनर्जी के जो है किप्स के स्टार स्टेप जितनी भी अकेडमीज हैं उनके सब की जितनी भी प्रैक्टिस बुक्स हैं या प्रैक्टिस MCQs हैं वो सॉल्व करूंगा बैठ के। तो यानी इस तरह आप करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारा डाटा भी आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको सारा बताऊंगा कहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है हाउ कैन वी डू सेल्फ स्टडीज। देखिए सेल्फ स्टडीज करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइमिंग बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं 1 घंटा या 2 घंटे बायो को, 2 घंटे फॉर एग्जाम्पल आप सैटरडे संडे की बात कर लें, या अगर आप रिपीटर स्टूडेंट हैं तो आप मतलब पूरे दिन की बात करें, स्केड्यूल बना लें कि भाई मैंने जो है इस चैप्टर को
ये इस टॉपिक को इतने टाइम में कवर करना है, देन मैंने क्या करना है। अब देखिए मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बताता हूँ, वो ये करें कि आप टॉपिक्स को डिवाइड करें पोर्शंस में, पार्ट्स में। अब पार्ट्स में करना क्या है कि आपने पार्ट्स बनाने, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का एक टॉपिक, बायो का एक टॉपिक, केमिस्ट्री का एक टॉपिक और इंग्लिश का एक पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह, ये एक पार्ट बन गया। इस तरह करके करते आप इनके पार्ट्स बना लें, फिर एक पार्ट कवर करें। पर कवर करने के बाद वो जो पार्ट आपने कवर किया उस पार्ट के हवाले से आप किप्स की, स्टार स्टेप वगैरह की जो है वो चेकआउट कर लें, क्या कहते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू। और अच्छा वो आपको कहाँ से मिलेंगे वो ज़रा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। तो वो आपको एक दो वेबसाइट्स हैं जाके यहाँ पे आपको वो मिल सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन चेकआउट ऑल दिस विदाउट एनी काइंड ऑफ फी, और मतलब उसमें आपको कोई फी वगैरह कुछ भी नहीं पे करना पड़ता, जस्ट आप विद जो है उसमें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और है हमारे पास, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, ठीक है, सईद एम डी कैट। एंड एक है आपके पास वॉइस गॉट, एंड द थर्ड वन दैट इज़, ये अगर हम यहाँ पे देखें इसमें देखें तो ये आपके पास जो है एम डी कैट डाटा आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, और बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन भी है और जो कि ऑथेंटिक है, यानी बहुत हेल्पफुल भी। अब ये सईद एम डी कैट, थर्डली जो है आपके पास दैट इज़ काशिफ राइट्स, ठीक है, काशिफ राइट्स, जो मुझे बेस्ट लगे मैं आपसे वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। देर इज़ नो प्रमोशन इन दिस वीडियो, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो बेस्ट थिंग्स एंड बेस्ट स्टडी मटीरियल फॉर यू। अगर हम वॉइस गॉड का देखें तो आप यहाँ पे इसका चेकआउट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक्सेस मटेरियल वगैरह को मिल जाएगा। हम सब तक सही दम का चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किप्स रेगुलर सेशन, स्टार स्टेप, हर अकेडमी का आपको मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। कोई इसमें फ़ी वगैरह कुछ भी नहीं होती, जस्ट यू कैन एक्सेस ऑल दीज विदाउट एनी काइंड ऑफ फ़ी, ठीक है। तो इसमें अगर हम नीचे मूव करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम टू गो फॉर एम डी कैट, ठीक है। तो ये मतलब टाइम इज़ टाइम इन्होंने लगाया 197 days 15 hours 25 minutes 6 seconds, ठीक है। तो यानी एक इन्होंने टाइम वो लगाया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं, सारे के सारे एम डी कैट डाटा मिल सकता है। ये इन्होंने जो है फीचर कोर्सेज, ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, स्टार के, स्टेप के, एम डी कैट मटीरियल, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ मिल सकता है। मूव करें नेक्स्ट, अगर हम इसमें बात करें तो ये आगे देखें यहाँ पे स्टूडेंट रिव्यूज़ हैं, ठीक है। पी एम सी के कुछ वो हैं कि दिस इज़ वॉट इज इंट्रोडक्शन विद प्रोफेसर रेगुलेटर हाउ टू बी लाइक वेल डन, ठीक है। तो यानी ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स, यू एच एस लास्ट डेट ऑफ सी सबमिशन इज 20, ठीक है। तो ये आप इसमें ये 20 जो है 2021 का है, और मतलब इसकी जो है, ठीक है। तो ये आप सारी चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पे इसको आप जितने भी आपको जो जो मटेरियल चाहिए वो आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें वाइस गॉड की, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे सारा मटेरियल मिल सकता है, ठीक है। और आप देखें यानी बहुत सारा मटेरियल उन्होंने अपलोड किया हुआ है, एंड वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ बेस्ट मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा काशिफ राइट्स पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मटेरियल मिल सकता है, स्पेशली एम डी कैट के हवाले से। इनके पेड कोर्सेज भी अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करते हैं कि नहीं। देखिए एम डी कैट की बुक्स यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, इसके हम नीचे मूव करें तो यहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा, एंड यू कैन एक्सेस ऑल दिस मटेरियल विदाउट एनी काइंड ऑफ फी, ठीक है। किप्स एल एम एस लेक्चर बिल्कुल फ्री हासिल करें, तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे आपको मैं आपको ये जस्ट चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपको किसी इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ फी आप इन अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। अब किप्स अकेडमी का देखें, वो एक बेस्ट अकेडमी है, उसके लेक्चर्स वो एक मतलब मुश्किल काम होता है, तो वो आप सारे जो है यहाँ पे वो कर सकते हैं। एम डी कैट बता एम डी डेट एंड सिलेबस वो तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मोशन एंड फोर्स, ये सारी वीडियोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं। अगर आप चेक करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स हम किसी एक वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं सर्कुलर मोशन वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो थोड़ा सा ओपन हो जाए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेट इज़ स्लो एंड सॉरी फॉर दैट। ये जो है गूगल ड्राइव में आपको अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं एंड विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये जो था हमारा नेक्स्ट, उसके बाद हम चलते हैं कि विच बोर्ड बुक्स आर बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। सी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फुल वीडियो, कि कौन सी बुक्स हमें करनी चाहिए। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, देखिए मेनली अब मैंने कुछ जो है मेरे फ्रेंड्स थे या कुछ सीनियर्स थे उनसे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली जो कि सिलेक्ट हो गए, तो उनमें से किसी ने कहा कि भाई हम ए लेवल से पढ़ के आए थे, जब इधर एफ एस सी की आके बुक्स देखी तो कोई कोई भी चीज़ सेम नहीं थी। तो हमने किया क्या कि सिर्फ हमारे पास टाइम कम था, फेडरल बोर्ड को फोकस किया, उसके प्रैक्टिस एंड स्किल्स किए इधर उधर से, वेबसाइट वगैरह से, कोई अकेडमी रखी, 195 स्कोर कर लिया एम डी कैट।
तो यानी अगर आप उसी से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने 195 स्कोर किया सिर्फ फेडरल बोर्ड की बुक्स प्रिपेयर करके, तो यानी आपको फेडरल बोर्ड की बुक्स का फिर अंदाज़ा इसी से हो सकता है। तो यानी इसमें ये है कि आपको फेडरल और पंजाब दोनों करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम फेडरल को एंड देन मिनिमम पंजाब को। यानी पंजाब को आप ये कह सकते हैं 30% तक पंजाब एंड 70% तक फेडरल आपको ये कवर करना पड़ेगा। अब जो पंजाब के स्टूडेंट हैं उनको तकरीबन 50%, क्योंकि देखिए पंजाब और फेडरल में कुछ चीज़ें सेम है, तो यानी उस हवाले से उनको थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे सिंध या इधर उधर के हैं, तो उनको सारा फेडरल और पंजाब दोनों पूरे पूरे करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टडीज, ये मैंने आपसे एक्सप्लेन कर दिया था, प्रॉपर टाइम टेबल ठीक है, प्रॉपर जो है एक इंगेजमेंट, एक स्टडी का जो एनवायरनमेंट, या आप कोशिश करें कोई आपका एमडी कैट का दोस्त है तो उसके साथ सेल्फ स्टडी करें, उसके साथ प्लान बनाएं ठीक है, एक दूसरे का टेस्ट वगैरह लें, तो उससे भी अच्छी तैयारी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी एक्सेस बेस्ट स्टडी मटीरियल। तो एक तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि 1 TB डाटा मैंने आपको आपसे प्रॉमिस किया था वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, SKN अकेडमी जो है ये आपके पास, ये आपको बेस्ट मटीरियल प्रोवाइड करती है ठीक है। एंड पहले 1-2-3 मैंने आपको बता दी, SKN अकेडमी है, एंड आप यहाँ पे बहुत सारा मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं ये इनके पास, क्योंकि मटेरियल देखें इनको एक्सेस होता है तो वो सारा यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। बाकी इसके अलावा आपको मटेरियल यहाँ पे भी मिलेगा, अभी तक अपलोडेड नहीं है बट विल बी अपलोडेड वेरी सोन। ये मैं आपको ज़रा यहाँ पे इसका जो है वो टाइप करके दिखा देता हूँ, ये इसका जो है आपके पास एड्रेस बार है ilmipreacher.blogspot.com के नाम से ठीक है। आप इसको भी जाकर चेकआउट करें, यहाँ पे भी मटेरियल बहुत जल्द अपलोड होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्वेश्चन की यही होगी कि वो जितना भी एमडी कैट का डाटा है वो यहाँ पे अपलोड करें ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये अगर आप देखें तो इनके जो प्रीमियम सेशंस हैं वो हैं, इसके अलावा यहाँ पे आप मटेरियल आपको मिल सकता है, लेकिन मेनली इनका क्या है कि आप इनके प्रीमियम वो ज्वाइन करके टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, तो कि जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये साइन इन करें, ये स्टडी मटेरियल आपको पड़ेगा डाउट सेक्शंस ठीक है, ये जल्दी अपलोड हो जाएगा। स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज जो है वो पेड है ठीक है, उसके लिए आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। नेशनल एमडी कैट 2021 अर्ली प्रिपरेशन ठीक है, ये किप्स का किप्स किप्स सारे किप्स में जो है 2020 जो अपडेटेड जो है ठीक है, अपडेटेड लेक्चर वगैरह ये आपको मटेरियल यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसमें व्यू करते हैं इसको ज़रा, नेशनल इंपॉर्टेंट अपडेट ठीक है, ये अपडेट है, तो इसको हम अपडेट को थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं कि सेलेक्ट सब्जेक्ट शेयर इंटरनेट कनेक्शन मेक मनी सॉरी, अच्छा ये कोई और वो है, तो इसको हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा मूव करते हैं कि बायो लॉजी ठीक है। बल्कि अभी ये अपलोड नहीं हुआ ठीक है, तो मतलब सॉरी अपडेट अपडेट नहीं हुआ, तो जैसे ही अपडेट होता है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। हम दोबारा चलते हैं स्टडी मटेरियल पोर्शन में और कुछ और देख लेते हैं। अच्छा ये जो इल्मी प्रीचर का है ये मैं ज़रा इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ, मे बी हो सकता है पूरी तरह लोड ना हुआ, अभी लोड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट अपडेट अपडेट, अच्छा अभी तक अपडेट्स हैं जस्ट, फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं, मे बी हो सकता है इसमें डाटा अपलोडेड हो, बट क्योंकि अभी इसमें भी काम चल रहा है, डाटा अपलोड हो रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम एंड देन यू विल बी एबल टू ठीक है। एंड सो ये आप देख सकते हैं या बस यहाँ पे, और टेस्ट सीरीज में स्पेशली जो इनके टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ पे बस, अब ये जो आपके पास वेबसाइट है इल्मी प्रीचर के नाम से, तो ये आपको यहाँ पे एमडी कैट का डाटा बहुत जल्दी से मिलेगा ठीक है, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल डाटा मिल जाएगा यहाँ पे। आप अगर देखें तो ये आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह। इसके अलावा एक और भी है, अगर आप उसको चेकआउट करते हैं, वहाँ पर जाकर डेली बेसिस पे जो है एमडी कैट डाटा जो है अपलोड होता है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ, दैट इज़ लियाकत एमडी कैट 2 blogspot.com, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, डेली के एमसीक्यूज यहाँ पे अपलोड करते हैं, इनकी एक टीम है जो कि बना के अपलोड करते हैं ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके एमसीक्यूज हैं, इनकी टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, तो ये आप यहाँ पे इनके जो है मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, फ्री में है, कोई इसकी फ़ी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो कोई एक टेस्ट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी ठीक है। हम उसको चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे, ये इसको देख लेते हैं, इन्होंने जो है डिफरेंट सोर्सेज वगैरह से एमसीक्यूज कलेक्ट करते हैं ठीक है, उनको खुद खुद भी क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे भी आपको इस तरह इस फॉर्म में मिल जाएंगे एमसीक्यूज, अगर आप चाहते हैं कि नहीं एमसीक्यूज जो है वो हमें जो है गूगल ड्राइव की फॉर्म में मिल चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसमें देखें तो आपको मिल जाएंगे ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ इनके एमसीक्यूज हैं ठीक है, ये हो गए। इसके बाद अगर आप इसकी तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, इसमें अगर आप स्किन अचीवर्स प्लस टेस्ट सीरीज ठीक है,
एंड किप्स एसकेएम, तो ये आप सारे यहाँ पे टेस्ट सेशन वगैरह वो कर सकते हैं। हम जरा अगर किप्स का चेक करें तो किप्स का यहाँ पे क्या शो कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, इनरोल नाउ, देखते हैं इसकी कोई फ़ी वगैरह है कि एड्स, चलें इसको थोड़ा सा कर लेते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि क्या आपके लिए मे बी हो सकता है बेस्ट रह जाए, तो इस चीज़ को करना कंपलसरी है। सो नेक्स्ट हम इसको इनरोल कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले लॉगिन कर रहा था, उसको लॉगिन करने के बाद हम इसको करते हैं इनरोल। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट दे विल शो, कॉन्ग्रेचुलेशन इसका इन फॉर किप्स एलली। ठीक है, नाउ चेक कि हमने इनरोल कर लिया, हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं एंड अपग्रेड। ठीक है, तो ये अपग्रेड आउट टू एक्सेस प्रीमियम नॉट मॉडिफाइड टेस्ट विदाउट एड्स। ठीक है, तो अपग्रेड हम नहीं करते, हम जस्ट वैसे इसको एक्सेस करते हैं। तो ये जो है टेक्स्ट अपग्रेडेड अपग्रेड, ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास हम इसको इस तरह एक्सेस कर सकते हैं या हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। सो लेट्स सी, तो ये भी आपके लिए बेस्ट है, अगर आप इसमें पे कर सकते हैं तो ये भी आई थिंक इज़ बेस्ट है, बट मैं आपको जो एक दो और कैडमीज का वो दूंगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बायोलॉजी की पॉइंट फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स, तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन सेशन में प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद जो मैं आपको पर्सनली अकेडमी या बल्कि एक और चलते हैं आगे थोड़ा सा, नॉर्थ की नियर पीयर बुक्स एंड ड्राइव। ठीक है, अगर आपको नियर पीयर का डाटा चाहिए तो ये भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ओपन, और तो इसमें चेकआउट कर लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो कर लेता हूँ उसका। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप नियर पीयर का डाटा जितना भी एक्सेस कर सकते हैं, बुक्स हैं और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं इनका क्वालिटी कंटेंट कितना ज़बरदस्त है। ठीक है, एंड और जो है इसका आप जो है इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका मटेरियल पड़ा हुआ है, किप्स की उसकी नियर पीयर की बुक्स हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, तो ये नहीं बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, आप इनको देखें तो बेस्ट नोट्स बने हुए इनमें, तो ये पड़ा हुआ है, इसके अलावा ये बुक्स पड़ी हुई हैं आपके पास उसकी। ठीक है, तो ये जो था ना एम डी कैट के बारे में थोड़ी डिटेल थी। उसके बाद हमारे पास है टिप्स। टिप्स मेनली क्या है, टिप्स मेनली जो है वो आप ये कह सकते हैं कि माई पर्सनल ओपिनियन, जो कि मैं नीचे यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, वो ये है यहाँ पे आपके पास कि माई पर्सनल ओपिनियन आपको क्या है, कि आपको कौन सी अकेडमी ज्वाइन करें, आपको कौन सा ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सो लेट मी गाइड यू कि आपके लिए जो एक बेस्ट रहेगा और कम फी में, दैट इज़ नियर पियर। अब नियर पियर मैं क्यों कह रहा हूँ, बार बार क्यों मैं उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, देखिए उसकी चीज़ें हैं कुछ, उसके मेनली ये है कि नियर पियर का ना आपको इसमें 20,000 की फ़ी है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स है मैंने यहाँ पे कंपाइल करके रखी हुई है ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। नियर पियर इज़ एन बार फार बाय मोस्ट क्रेडिबल। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, जो मुझे बेस्ट लगा मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो बेस्ट लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है आल फाइव सब्जेक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, अपडेटेड होते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज क्विज वगैरह, और इसको अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पुट कर दूँगा। 24/7 एक्सेस टू द कम्युनिटी फॉर द क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है, अपडेटेड लेक्चर्स, PDF बुक्स एंड नोट्स, पास पेपर द सोल्यूशन, टेस्ट सेशन बिफोर एमडी कैट और एक्सेस टिल एमडी कैट 2022। तो यानी बहुत ज़बरदस्त इनका एक प्लानिंग है, और उसके अलावा आप इनके वीडियो लेक्चर्स, इनके डेमो लेक्चर्स, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आज उससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि डेडिकेशन लेवल आप इनका देखें, और उसके अलावा जो है मटेरियल जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग जो आपको हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यानी ये आपके लिए एक बेस्ट रहेगा, आप इसमें जो है आई मैं आपको ये कहूँ, मैंने खुद ज्वाइन किया है, मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो यानी मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। मैं बाकी ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट जो चीज़ मुझे बेस्ट लगी आई वॉन्ट टू शेयर देयर। ठीक है, जो मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि मेरा काम यही होता है जो चीज़ बेस्ट लगती है कम फी में। अगर आप देखें किप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वो आपको 50,000-60,000 में पड़ता है, और फिर भी अगर उसके बाद एडमिशन ना हो, अल्लाह ना करे, तो वो बेकार जाता है। तो यानी इससे बेस्ट ये है कि आप इसको ज्वाइन करें। दूसरा, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो आपको यहाँ से बेस्ट कंसेप्ट मिलते रहेंगे, दूसरा आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपना एक वो प्रॉपर वो कर सकते हैं, वे में स्टडी कर सकते हैं, जो कि मेनली आपको लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यानी आई थिंक सो कि आपके आपके पास इससे कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। सो जो है आप कोशिश करें कि NMD इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए क्या है कि आप इनके जस्ट जो है उसको ऐप डाउनलोड कर लें, नियर पियर की वेब जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लें। दूसरा, इनकी वेबसाइट है, अगर वो हम चेक करें जाके, ठीक है, nearpeer.org, हम इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं .org। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे फेडरल बोर्ड आ गया, हमें फेडरल बोर्ड नहीं करना, नियर पियर .org। ठीक है, ये क्योंकि फेडरल बोर्ड का पहले ओपन था, तो उस वजह से वो फेडरल बोर्ड आ रहा है। तो बाकी जो है ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है,
और आपको बहुत ज़्यादा ये देखें, अगर हम इसमें देखें तो अबाउट अभी तक जो है 55,000 स्टूडेंट जो है इसमें इनरोल हैं, ठीक है। और ये बाकी भी चीज़ों कवर करवाता है, लेकिन मैं स्पेशली जो है वो हम एम टिकट की बात करें तो हम इसको देखेंगे। यहाँ पे इसका आप अगर देखें तो इसका टोटल जो प्राइस है दैट इज़ 20,000, ठीक है, 5,000 फॉर ईच सब्जेक्ट। एंड विद अगर आप यहाँ पे इसका डेमो लेक्चर वगैरह देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखें मेनली कंपैरिजन यहाँ से भी मिल सकता है, टॉक टू टीचर 24/7। लेकिन अकेडमीज का ये होता है कि जस्ट जब आप अकेडमी होते हैं तब आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। रिपीटेबल लेक्चर्स यानी वो ये है कि देखें रिकॉर्डेड होता है लेकिन अकेडमी में रिकॉर्ड नहीं होता, जो कि फिजिकल होती है। अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन तकरीबन वो तो हर अकेडमी प्रोवाइड करती है, बट ये भी प्रोवाइड करती है। एंगेज विद आसम इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, ये भी बिल्कुल इनकी बेस्ट बात है। स्टडी टाइम एनी वेयर एनी वेयर, जो कि मुझे बहुत बेस्ट लगा, यानी सेल्फ स्टडी बंदा कर सकता है, अदरवाइज फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करके नहीं कर सकता। लो कॉस्ट, ठीक है, 20,000 पे करना पड़ता है, ओनली वन टाइम प्राइस होती है इनकी। एक्सेस टिल एग्जाम्स, तो यानी लास्ट डे तक जो है आपको ये एक्सेस देती है। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासरूम ग्रुप्स, ठीक है, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं आप, उसमें डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं टीचर से, वहाँ पे मतलब टीचर्स होते हैं तो आप उसमें, ठीक है। 10,000 क्वेश्चन यूर वीकनेस, मेरी यही चीज़ होती है, देखिए वीकनेस को जानना दैट इज मेन कंपल्सरी थिंग। वीडियो लेक्चर्स होंगे बेस्ट और बाकी सारे वो चीज़ें जो हमने देख ली हैं। उसके बाद वो फुल एम डी कैट कोर्स 19,999, ठीक है, ओनली और जस्ट वन टाइम बुक करना होता है। उसके अलावा ज्वाइन फेसबुक स्टडी ग्रुप फॉर फ्री एम डी कैट डाटा, ठीक है, तो वो आप इनका ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है इनके वो स्टूडेंट हैं, इनके अलावा आपके अगर इसका प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं तो आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, कि क्या प्रोग्रेस है, क्या लास्ट ईयर में क्या वो चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन वगैरह कोई क्वेश्चन हो तो वो आप चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, मैसेंजर वगैरह पर बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से जो है हम इसको एक और चीज़ वो कर लेते हैं कि कोई भी आपको लेक्चर्स अगर वो चाहिए, देखिए मेनली मैं आपको एक यहाँ पे और चीज़ बता देता हूँ, दैट इज़ कि अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे जाने के बाद जस्ट सर्च करें नियर पीयर ऑफिशियल, नियर पीयर ऑफिशियल पे जाने पे के बाद ना आपको इनका चैनल मिल जाएगा। मिल जाने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट सेशन में जाएं, सेक्शन में जाएं, वहाँ पे जाने के बाद आप उसका जो एम डी कैट का लॉजिकल रीजनिंग क्या है वो आप सेशन चेक करें, तो वो आपको उसी भी चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है वो इनका बेस्ट है, यानी वो उन्होंने रिकॉर्डेड जो है फ्री वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे ओपन कर लूँ, आप इसका जो है वो ये आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये 2021 का जो लेटेस्ट था उसमें जो है उसी यानी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर देखें फ्री लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, तो ये अगर आप वीडियो लेक्चर्स चेक करें तो यानी आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा एक बेस्ट एक्सपीरियंस इनसे मिलेगा। ये तकरीबन 36 वीडियोज़ हैं और ये आप इनमें से कुछ भी चेक कर लें, आपको एक आइडिया एक वो हो जाएगा कि किस तरह इनका पढ़ाने का वे है। तो यानी मुझे जो पर्सनली बेस्ट लगा मैंने आपसे वो शेयर किया। बार बार मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि देर इज़ नो प्रमोशन इन दिस वीडियो, ठीक है, जस्ट जो चीज़ मुझे बेस्ट लगी आई हैव शेयर विद यू पीपल, और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर बेस्ट वीडियोज़ लाइक दैट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।